वो हमारी पत्नी भाग गई है। भाग गई? हमारी भी भगवा दो यार, हम प्यार करते उससे। पत्नी से? अरे श्योर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल इंटरटेनमेंट हिंदी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पानीपत और पति पत्नी वो मूवी के 3 दिनों के कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे मूवी कितने स्क्रीनों पर रिलीज हुई है और अपने वीकेंड में कितना टोटल कलेक्शन कर चुकी है वर्ल्ड वाइड भी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। हम पहले बात कर लेते हैं पति पत्नी और वो मूवी के बारे में। ये मूवी 6 दिसंबर को रिलीज हुई है इंडिया में। टोटल इसको जो स्क्रीन मिली है दोस्तों वो 2500 स्क्रीन मिली है, और इस मूवी के अगर हम बजट की बात करें तो काफ़ी कम बजट में ये मूवी धुआंधार कमाई कर रही है। इस मूवी का जो बजट है वो है 40 करोड़ रुपये, और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं मुदत अजीज ने, और इसमें कार्तिक आर्यन, भूमि पटनेकर और अनन्या पांडे आपको नज़र आने वाली है मेन कास्ट में। और दोस्तों ये मूवी जो पहले दिन अपने कलेक्शन की थी वो एक ज़बरदस्त कलेक्शन रहा है, और ये मूवी पानीपत को पीछे छोड़ रही, क्योंकि ये एक रोमांटिक और ड्रामा मूवी है, फैमिली मूवी है, इसलिए ये मूवी काफ़ी अधिक बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है। अगर इसके हम पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो इंडिया में ये पहले दिन कलेक्शन कर रही है 8 करोड़ 50 लाख रुपये, और दूसरे दिन के दोस्तों बात कर ले तो 13 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर रही है, जो कि 2 ही दिनों में इस मूवी का टोटल कलेक्शन हो गया था 22 करोड़ रुपये। और ग्रॉस कलेक्शन की अगर इंडिया की हम बात कर लें तो 26 करोड़ रुपये, और ओवरसीज मार्केट में ये मूवी 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों अगर हम तीसरे दिन की बात कर लें और आज की बात कर लें, अगर हम संडे की बात कर लें तो संडे में 45% का ऑक्यूपेंसी के साथ मॉर्निंग में ये मूवी ओपन हुई थी, और ये मूवी 45% का ऑक्यूपेंसी के साथ आर्यन की सबसे पहली मूवी साबित होगी ये, क्योंकि उनकी लाइफ में अब तक कोई मूवी इतना ओपनिंग नहीं हुई है। और ये तीसरे दिन जो कलेक्शन कर रही है दोस्तों वो है 16 करोड़ रुपये, और ओवरसीज मार्केट में ये कर रही है 5 करोड़ रुपये का बिजनेस, और टोटल अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड 47 करोड़ यानी 47 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये मूवी कितना अभी कलेक्शन कर सकती है, और इसको अगर हिट होना है तो 60 करोड़ का कलेक्शन करना होगा एनी हाउ, और इंडिया में सुपर हिट अपने आप को ब्लॉकबस्टर साबित करना होगा अगर कम बजट में मूवी को, तो 100 करोड़ का कलेक्शन करना होगा। और ये मूवी लगता भी है कि 100 करोड़ आसानी से कलेक्शन कर लेगी, क्योंकि पानीपत लग नहीं रहा है कि वो कर पाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पानीपत के बारे में। मराठा भारत भूमि के वो योद्धा जिनके लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीरता है। दोस्तों माना ये जा रहा था कि संजय दत्त की पानीपत मूवी सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली है, और लगता था कि इंडिया की ये सबसे हाईएस्ट ग्रोवर्स फिल्म बनेगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी कहानी है, जिस हिसाब से इसमें सीन दिखाया गया था, बहुत ही ज़बरदस्त कमाई करने वाली थी ये मूवी। न करने का रीज़न सिर्फ एक है कि अगर कोई बड़ा चेहरा, संजय दत्त तो ठीक है, संजय दत्त ने अपना काम बखूबी निभाया और ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन अर्जुन कपूर की वजह से पूरी की पूरी मूवी फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही है। अर्जुन कपूर को मूवी में बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उनको दर्शक उस रूप में पसंद ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो मराठा का रोल बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए ये मूवी पूरी तरह से फ्लॉप होती ही नज़र आ रही है। और जो अगर हम बात करें इसके बजट की तो ये मूवी 90 करोड़ के बजट में बनी है, और लगता नहीं है कि ये मूवी टोटल जो है कि बजट निकाल भी पाएगी अपनी। इस हिसाब से इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं आशुतोष ग्वारिकर जी, और इस मूवी को प्रोड्यूस कर रही हैं सुनीता ग्वारिकर जी, और लगता है कि डायरेक्टर को अब पता चल रहा होगा कि उन्होंने अर्जुन कपूर को लेकर के क्या कर दिया ये। दोस्तों अगर हम इसके पानीपत मूवी की अगर हम पहले दिन की कलेक्शन की बात कर ले दोस्तों, तो पहले दिन जो इसका कलेक्शन रहा है वो 6 करोड़ 50 लाख रुपए रहा है, जो कि बेहद ही कम रहा है, इतना नहीं अनुमान किया जा रहा था। और सेकंड डे का कलेक्शन जो है कि 8 करोड़ रुपए था, और सेकंड डे जो इसका ग्रॉस कलेक्शन कर देखा जाए अगर इंडिया में तो टोटल जो कि 14 करोड़ 50 लाख रुपये था, और ओवरसीज मार्केट में 3 करोड़ रुपये था। दोस्तों थर्ड दिन थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है, 32 से 35% के बीच में ऑक्यूपेंसी के साथ ये मूवी ओपन हुई है, और जो डाटा अब तक सामने आया है इवनिंग शो में मिला करके, ये अब तक 9 करोड़ 50 लाख रुपए का टोटल कलेक्शन कर रही है, और ओवरसीज मार्केट में ये 6 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन कर रही है। अगर दोस्तों बात कर ले हम वर्ल्ड वाइड की तो ये मूवी 13 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर रही है। इस हिसाब से ये मूवी टोटल 24 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर रही है अपने वीकेंड में, जो कि इससे ज़्यादा कम बजट में मूवी बनी थी
पति पत्नी और वो अपने वीकेंड में 40 करोड़ रुपए के प्लस कर रही है, यानी 40 से पार कर गई है, और वो अपने प्री रिलीज में भी वो कमा चुकी थी 40 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पति पत्नी और वो मूवी हिट है या नहीं? मतलब दरअसल कहानी अगर देखी जाए तो कहानी में तो ज़बरदस्त तो यही है, पानीपत है, लेकिन तो अर्जुन कपूर की वजह से ये मूवी चल नहीं पाई। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको पानीपत मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।